खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रिंस अल्ताफ सैन की रिपोर्ट के मुताबिक मरूफ सनतकार और बिजनेसमैन शख्सियत चौधरी शकीर अहमद ने कहा है कि हम भारत की हुक्मरान सियासी जमात भारतीय जनता पार्टी के तर्जमान की तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना कलमात पर शदीद रद्दअमल का इजहार करते हैं। उन्होंने कहा कि तमाम मुस्लिम ममालिक को भारत के साथ तजारती व सफारती ताल्लुकात फौरी तौर पर मुनक़ता करके खत्मी मरतबत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने इश्को मुहद्दत को वाजे करना होगा। मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वाली भारतीय हुकूमत ने अब दीन इस्लाम और इसकी बुनियादों पर हमला करना शुरू कर दिया है। अगर दुनिया भर के मुसलमान भारतीय मसनूआत का मुकम्मल तौर पर बाइकॉट करें तो बहुत जल्द मोदी हुकूमत की तबाही का आगाज़ भारत के अंदर से शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आज़ादी इजहार राय की आड़ में किसी की मजहबी जज्बात को मजरूह करने का किसी को हक हासिल नहीं। मुतासिबाना सोच की बुनियाद पर तारीख को मसख और बाअज़मत शख्सियात की तौहीन करने की किसी को कतन इजाज़त नहीं दी जा सकती। शदीद गर्मी में बे एहतियाती जानलेवा भी हो सकती है। हीट वेव के मुजिर असरात से तहफ्फुज़ यकीनी बनाएं। वक्फे वक्फे से पानी और मशरूबात पिएं। गर्मी में बिला जरूरत घर से बाहर न निकलें। धूप में निकलना जरूरी हो तो गर्दन और सर को ढांप कर जाएं। ढीला ढाला और हल्के रंग का सूती लिबास पहनें। स्कूल के बच्चे अपने सर ढांप कर रखें और पानी की बोतल साथ रखें। सख्त धूप में मशक्कत से गुरेज करें। धूप में खड़ी बंद गाड़ी में न बैठें। ज्यादा प्रोटीन वाले मुरखन खानों से परहेज करें। किसान अपने मवेशियों और फसलों के लिए पानी का मुनासिब इंतजाम करें। किसी भी हंगामी सूरत हाल में पीडीएमए की हेल्पलाइन 1129 पर कॉल करें। आपका तहफ्फुज़ हमारी तरजीह। हुकूमत पंजाब।